नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ब्रजेश भंडारी में। और आज मैं आया हूँ नजफगढ़, जहाँ पर की है एक हमारा उत्तराखंड का प्रोग्राम। और आइए देखते हैं, चलते हैं अंदर। बहुत ही संघर्ष के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि बड़ा लंबा बहुत दूर का सफर था। नोएडा से यहाँ पर आया हूँ, और रास्ते में भी हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, हमें रास्ता भटक गए थे। ये है नजफगढ़ में कुतुब विहार, एक जगह है वहाँ पर है, और यहाँ पर हमें कुछ लोगों से भी हमारी बातचीत हुई है। तो चलिए चलते हैं अंदर, करते हैं लोगों से बातचीत। अब इसको एक बार चेक कर आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे हमारे उत्तराखंड के कलाकार हैं जो आए हुए हैं। बहुत अच्छा ग्राउंड है एक्चुअली, ये कोई बहुत सारे लोग यहाँ पर हमें दिख रहे हैं, और बहुत सारे स्टॉल्स हैं यहाँ पर। और जैसे कि आप सामने देख सकते हैं, और ये चारों भीड़ है यहाँ पे लोगों की, और बहुत बढ़िया बढ़िया यहाँ पर। ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान है यहाँ पर। यहाँ पर बहुत सारे कई प्रकार की टोपियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। ये टोपियाँ हैं और बहुत सारे। तो अब हमारे साथ एक हमें एक महिला दिखी है यहाँ इस ग्राउंड में, जो पूरे उत्तराखंड की ड्रेस में है। तो आप सबसे पहले, तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम किरण है। पूरा नाम क्या है? किरण लता। मैं एक जुम्बा फिटनेस सेंटर से हूँ। अच्छा। तो आप यहाँ पे आई हूँ परफॉर्मेंस कर रही है आज? मेरे बच्चे परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अच्छा, आपके पास जो सीखने होंगे? जी हाँ, मेरे जो जुम्बा सेंटर में जो डांस के बच्चे हैं वही कर रहे हैं यहाँ पे। उत्तराखंड में किधर से? मैं पौड़ी गढ़वाल से। पौड़ी गढ़वाल से। और जो आपकी ड्रेस में ये कुमाऊँ की है। हमारा ये गुलाबंद, ये जो है गढ़वाल का होता है, पिछौड़ी है, ये कुमाऊँ की होती है। अच्छा, ऐसे प्रोग्राम में जब आप आते हो उत्तराखंड के प्रोग्राम में, तो क्या सोचते हो कि क्या ऐसा होता है खास? मैं सोचती हूँ हमारी संस्कृति हमें यहाँ पे दिखे, जो कई हम जब यहाँ रहते हैं दिल्ली में तो नहीं दिखते, इसी वजह से हम आते हैं यहाँ पे। तो आपने गांव के देखे जो गांव में? जी हाँ। तो उसमें क्या डिफरेंस होता है गांव वालों में यहाँ पे? थोड़ा सा है, डिफरेंस तो काफी है। बट ऐसे प्रोग्राम में जब हम आते हैं ना, तो फिर डिफरेंस थोड़ा खत्म हो जाता है, क्योंकि सब लोग जैसे आज आप मुझे ही देख रहे हैं, मैं रोज ऐसे तो रहती नहीं हूँ, तो ये चीजें थोड़ा सा रहती है हमारी। अच्छा, मतलब जैसे आप जैसे इन प्रोग्राम्स में आ रहे हो, और ये आप देखते हो हमारे उत्तराखंड दिल्ली एनसीआर में ऐसे प्रोग्राम बहुत होने लग गए हैं, तो मतलब उससे क्या लगता है आपको कि हमारी जो कल्चर है या हमारा जो संस्कृति है वो इससे आगे बढ़ती है? बिल्कुल, इससे आगे बढ़ती है, डेफिनेटली बढ़ती है, क्योंकि जैसे ये प्रोग्राम होते रहते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारी संस्कृति के बारे में ज्यादा लोग जानते हैं, ना सिर्फ हमारे उत्तराखंड वाले, बाकी लोग भी, क्योंकि आजकल देख रहे हैं ना कि हमारी संस्कृति पहले बीच में बिल्कुल डाउन जा रही है, सब लोग यहीं के हो जाते हैं, कहीं रहते हैं वहीं के हो जाते हैं। पर जब ये प्रोग्राम होते हैं ना, इनसे क्या होता है, हम जुड़ते हैं, हमारे बच्चे जुड़ते हैं, बस ये रहता है। थैंक यू सो मच। तो ये बच्चे हमारे साथ, क्या नाम है आपका? विहान अनुज नैतिक। क्या कर रहे हैं आप लोगों ने आज यहाँ पे? आज हम उत्तराखंड की परफॉर्मेंस करने आए थे। कौन डांस कर रहा है? हमने ठुमक ठुमक और मॉडल कुमार। इतने भी ये यहाँ हम इन्हीं के टीम में थे, मैं इन्हीं के टीम में। और आप भी यही करते हैं? कुछ समझ में आती है भाषा से बोलते हैं, कुछ बुलाने तो आता है? कभी कभार जो बोलते हैं उसमें क्या समझ में आता है? उधर देखो ना, कैमरा तो उधर है यार, तुम लोग तो स्टार हो, देखी मेरे तो क्या समझ में आता है? क्या समझ में आता है? समझ में नहीं आता। आता है थोड़ा थोड़ा। क्या बोलते हैं वो? क्या मतलब उस गाने का? मुझे गाने म्यूजिक समझ में आता है। हाँ, मतलब कभी कभार थोड़ा थोड़ा। चलो ठीक है, ओके गुड। ओ हाँ सर, वो बच्चे वो क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? क्लास लगा रहे हैं, क्लास करने आए हैं। लेके आए लेके आए इसके साथ नाम क्या हुआ? कवन सारा सोच के हमारा नाम पीछे पूछ लो किसी से। पवन ऐसे प्रोग्राम आगे बस डांस कर सकते जाता है। Thank you.
तो अब हमारे साथ है कुछ उत्तराखंड की युवा डांसर जिन्होंने अभी डांस किया, आप लोगों ने अभी डांस किया। हाँ, तो आप लोग सबसे पहले तो आपसे ये पूछूंगा कि आप लोग जैसे ऐसे उत्तराखंड के जो कौती में आते हैं, मेलों में आते हैं, तो क्या लगता है, तो आपको कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा लगता है। और आपका नाम क्या है? आयशा गोसाई। और आपका नाम क्या है? प्रियांशी रावत। पलक नेगी। पलक ठाकुर। वर्षा दुबे। आपने क्या परफॉर्म करा आज? आज हमने एक डांस परफॉर्म करा है। कौन से गाने में करा है? गुलाबी शरारा, पिंगली पिछवाड़ी और भाना। मैशअप का तीन गानों का। आप लोग सब स्कूल में पढ़ते हो? हाँ। और आपको मतलब ये जैसे जो गाने हमारे उत्तराखंड के गाने बजते हैं, तो वो गानों में जो भाषा बोली जाती है वो समझ में आता है? हाँ, समझ में आता है। हाँ। और बोलना भी आता है आप लोगों में से किसी को? थोड़ा 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 बहुत थोड़ा। क्या आता है? आप क्या बोलते हो? कुमाऊँ बोलते हो? गढ़वाली बोलते? गढ़वाली। हाँ, तो बोलो फिर गढ़वाली। क्या ये बोलो कि मुझे कौतिक में आके अच्छा लग रहा है। मिठाई कौतिक में आके आके बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी गुड। और आपको? मेरा नाम प्रियांशी रावत। इसका मतलब ये हो कि आपका नाम प्रियांशी रावत। वेरी गुड। अच्छा, मतलब ये भाषा बोली आपको आनी जरूरी है, बिकॉज आप सब लोग ही आपको, अगर आप लोगों को बोली भाषा आएगी तभी तो हमारी जो बोली भाषा तभी आगे तक जाएगी। वेरी गुड। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपको बोली भाषा बोल रहे हो और डांस कर रहे हो। थैंक यू सो मच। अब हमारे साथ हैं रेखा जी, जो कि यहीं पर रहती हैं और हमें यहाँ पर इस मेले में घूमते हुए मिली हैं। तो आइए उनसे पूछते हैं कि इस मेले में आके उन्हें कैसा लगा? बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, और गाने वगैरह लोग जो गा रहे हैं उसमें बहुत मजा आ रहा है, और बहुत सकते हो यहाँ पे सारी बहुत। अच्छा, उत्तराखंड के जो ऐसे मेले होते हैं उनमें आने का लोगों का मतलब क्या सोच के आते हो कि क्या हमें ऐसा अच्छा मिलेगा? क्या सबसे ज्यादा मजा आता है कि डांस करने को मिलता है, एंजॉय होता है, और क्या कहते हैं घूमने के लिए मिल जाता है, फिर अपने यहाँ की चीजें देखने के लिए मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं खाने के, पहाड़ी खाने के स्टॉल लगे हुए हैं, पहाड़ी ज्वेलरी के स्टॉल लगे हुए हैं, तो वो सब। अच्छा, आपको अपनी भाषा बोलनी आती है? कहाँ से हो आप? मैं हूँ बिक्के सर। अपनी भाषा में कुछ बोलो कि मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे यहाँ पे बहुत भल लागो। और आपके वहाँ पे कौन सा कौतिक लगता है? हमारे यहाँ पे ये उत्तराणी का तो लगा हुआ है ना, उत्तराणी, हाँ यही लगता है हमेशा। ओके, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके अच्छा लगा। तो अब हमारे बीच में यशवंत सिंह जी, जो कि जो यहाँ पर जो समिति कार्यक्रम करवा रही है उस समिति के हमारे साथ एक मेंबर है। तो आइए उनसे पूछते हैं कि आपका जैसे आपने ये प्रोग्राम कराया है, जो हमारे उत्तराखंड के प्रोग्राम्स होते हैं, तो उसके पीछे आप लोगों की क्या मंशा होती है? जी, उत्तराखंड का प्रोग्राम करना की मेन मनसदी हूं के बीच कोई भी अगर सोसाइटी हूं समाज हूं तो वे की सबसे यही हूं मनसा कि अपने समाज की चारों तरफ बात फैले जाए, जो भी हमारा रीति रिवाज है वो तो हमेशा मतलब कल तक कंटिन्यू करे जाए, जो बीच में आजकल धीरे धीरे ही होने की पुराना रीति रिवाज है धीरे धीरे खत्म होना चाहिए, चीज से कंटिन्यू करना होने की। पर हमारे जो उत्तराखंड के मैंने जनरली जितने थे दिल्ली के अंदर या एनसीआर के अंदर जितने प्रोग्राम्स देखे हैं उसमें मैंने देखा है कि लोग ज्यादा सिर्फ डांस करते हैं, नाचते आते हैं, मतलब हमारा इंप्रेशन जो लोगों के ऊपर जा रहा है, उत्तराखंड के लोगों का इंप्रेशन जो संस्कृति का जा रहा है कि उनका ये है कि उत्तराखंड के लोग सिर्फ ऐसे कौतिकों को देखेंगे यूट्यूब पे, तब आप देख लेंगे कि कम से कम 3 घंटा पूरी परिक्रमा चली, तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ डांस के लिए ये प्रोग्राम किया जाता है, इस प्रोग्राम के कई वो है जो हमने पहले बताया, जो हमारे रीति रिवाज है पहाड़ी के क्षेत्र के जो भी उत्तराखंड कुमाऊं जौनसार जो भी है, हमने सबसे पहले उसको आगे रखना है। डांस तो कोई भी कर लेता है लेकिन अपने कल्चर को जो हमने है कंटिन्यूअसली रखना है, और जो क्या उसकी शुरुआत वहीं से की है। आप लोग ये प्रोग्राम का जो आपकी संस्था जो है कब से प्रोग्राम कर रही है, मतलब यहाँ पर कितनी पुरानी है आपकी संस्था? ये संस्था 2004 से प्रोग्राम, पहले ये बद्रीनारायण रामलीला समिति थी और अभी ये जो फाउंडेशन एनजीओ बन गया है, तो ये संस्था 2004 से ये प्रोग्राम लगातार करती जा रही है, जो कि हर साल उत्तरायणी में मनाया जाता है। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। और मैंने आपसे इसलिए सवाल इसलिए पूछा क्योंकि जो लोग हमें देखते हैं जनरली हम जो प्रोग्राम्स में जाते हैं तो वहाँ पर हम ज्यादातर लोग इसी चीज को हाईलाइट करते हैं कि उत्तराखंड का गाना बजता है, उत्तराखंड की औरतें आदमी सब नाच रहे होते हैं, तो मैंने इसीलिए आपसे ये पूछा कि इस कार्यक्रम में और एक्स्ट्रा क्या है जो कि लोगों को देखकर हमारी संस्कृति के बारे में, हमारे जो कल्चर है उसके बारे में लोगों को पता चले। मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त उत्तराखंड समाज को ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमारे रिपोर्टर जी कह रहे हैं, तो ये आप लोग अगर ऐसा कर रहे हैं तो मेरी आपसे विनती है कि इसलिए न करें, जो हमारी संस्कृति है उसको आगे ले जाए। जैसा कि आप YouTube चैनल पर देखेगा हमारे कुतुब बिहार फेस टू के
जो आज सुबह जहाँ से हमने कार्यक्रम शुरू किया, सबसे पहले आप वहाँ शुरू करिए, क्योंकि भगवान ही सबसे बड़ा होता है, बाकी नाच गाना तो उसी की मर्जी से सब चलते हैं, जो भी हम कर रहे हैं। और ये जो आप बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे उत्तराखंड की संस्कृति को आगे ले जा रहे हैं, युवाओं तक बच्चों तक पहुंचा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय उत्तराखंड, जय भारत। तो अब हमारे साथ है राहुल सिंह रावत जी। तो राहुल जी, आप सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो प्रोग्राम आज हो रहा है यहाँ पर क्या कुछ विशेष है? सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रोग्राम का विशेषता यह है कि जो जितने भी हमारी न्यू जनरेशन आ रही है उनको ये जागरूक करना कि हमारी संस्कृति क्या है, और मतलब हमारे पूर्वज मतलब कैसे अपनी संस्कृति को संभाल के अपने साथ लेके चल रहे हैं। तो उनकी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमको उनको आगे को ये धरोहर उनको देना, ताकि वो आगे इसको फैलाते रहे। और हमारी संस्कृति मैं बोलता हूँ कि इंडिया में सबसे बेस्ट है, क्योंकि हमारे यहाँ सिखाते हैं कि आपको कैसा आचरण करना है, कैसा व्यवहार करना है। वो बोलते हैं कि ना कि आपका व्यवहार ही आपका परिचय, तो वो हमारी संस्कृति सिखाती है। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि इस प्रोग्राम के माध्यम से हमारे छोटे छोटे बच्चे, आने वाली जनरेशन एकजुट होते हैं, जो कि बहुत जरूरी है आजकल एकता होना। तो मेरा तो यही मानना है कि इसमें जितने भी हमारे सांस्कृतिक प्रोग्राम हो रहे हैं उसका मेन मोटिव हमारा यही है कि जो हमारे आने वाले बच्चे, आने वाली पीढ़ी है, वो अच्छी संस्कृति ले जाएं, अच्छे आचार विचार से हैं, ताकि वो देश विदेश कहीं भी जाएं। जैसे कि मैं अभी जब जॉब करता हूँ, मैं आउट ऑफ इंडिया ही जॉब करता हूँ, तो आउट ऑफ इंडिया में इंडिया का बहुत बड़ा नाम है, तो वैसे ही अपना नाम रोशन करें, तो इस वजह से हमारा ये प्रोग्राम चलता है। धन्यवाद रावत जी हमारे साथ बातें करने के लिए, अपने विचार। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। कौन सा मेला लगता है आपको विक्या सेन में? शराती। अच्छा, गांव के मेले में और यहाँ के मेले में क्या अलग लगता है आपको? गांव और अलग होता है, यहाँ पे अलग ही ठीक है। गांव के मेलों में क्या होता है? अच्छा है, वहाँ पे गाँव भी, तो यहाँ पे अच्छा ही है। क्या मिलता है वहाँ पर खाने के लिए? कुछ मिलता है खास? हाँ, सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है। क्या मिलता है खास? तो हमारे साथ है, क्या नाम है इसका? अनिकेत। अनिकेत, देखो हमारे साथ अनिकेत। ये बात इसलिए नहीं करते, मम्मी ने मना करा, जान लोगों से बात नहीं करना चाहिए। तुम्हारा नाम क्या है? कार्तिक। और तुम क्या करने आए यहाँ पे? मैं घरे, ये रहा मेरे पीछे। ये तो करने क्या है? क्या नाम देखने? क्या देख रहे? मतलब क्या देखना चाह रहे? प्रोग्राम देखना आया। प्रोग्राम में क्या क्या है? मैं सगनू नियाल को देव, सगनू नियाल हमारी पड़ोसन है, तो उसके हम गाने सुनने आए हैं। पड़ोसन के गाने वहाँ सुनने? पड़ोसन के गाने वहाँ नहीं सुनाई देते, पड़ोस में नहीं यही सुनाई देते हैं। ज्यादा स्पीकर है ना डीजे, तो ज्यादा बेस भी आएगा। उत्तराखंड से? हाँ। कहाँ पे होता है? अल्मोड़ा। अल्मोड़ा से। और क्या इसके अलावा? तुम ऐसे प्रोग्राम में आते हो, ऐसे प्रोग्राम होते हैं, तो उसमें क्या सोचोगे, क्या देखने को मिलेगा? अपनी संस्कृति। संस्कृति में क्या मेरा राज्य, हमारी संस्कृति मिल रही है हमें उत्तराखंड की। क्या संस्कृति होती है? जैसे हमारा कल्चर हो गया, जैसे यहाँ पे खाना हमारा गांव का, ये सब। गांव जाते हो कभी? हाँ, अभी आया हूँ दो दिन बाद। गाँव में क्या होता है, क्या क्या स्पेशल खाना है गाँव में? अपनी दाल, दाल भात हो गई, दाल वो बट, और फेवरेट है वो तो भट्ट की दाल। कौन सा? महेश भट्ट की? अपनी भट्ट, गांव की भट्ट। गांव की भट्ट, चलो ठीक है, गुड। और गांव का वो क्या होता है, क्या कहते उसे? नींबू। नींबू आप उत्तराखंड से? हाँ, गांव का नींबू जो होता है, जिसको इसको मिक्स करके खाते हैं। वेरी गुड यार, मैं इसीलिए पूछा था कि तुम जैसे लोग, अगर युवा लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो उनका मकसद क्या है ऐसे प्रोग्राम में आना? खाली मतलब वो खाली ऐसे आके यहाँ पे शोर शराबा करने आते हैं या वो? एग्जाम्पल। हाँ, वो तो खैर वो सही है। गेम खेल रहे, देखो गेम तो खेलेगा, जैसे जीवन में गेम चल रहा है वही तो। ओके, थैंक यू। ओके, वेलकम। हमारे छुट्टा बैठे हुए, आप लोग पहाड़ से नहीं हो क्या? अगर पहाड़ से हो तो जोर से बोलेंगे, बोलो बद्री विशाल की, बोलो माँ भगवती नंदा की, बोलो पन्नू गोसाई की। पन्नू गोसाई की भी जय करवा रहा है। पन्नू गोसाई मसान से क्या तुम लगे आठा? जय 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 कुन थान तुमर कब जय जय भाई जुबुनो छोट तक लगे के सोन तुमन सुदिन के जय जय लगे आठा तुम लोग। चला अगले बढ़ना। और जैसे मैंने कहा कि हमारे परंपरा है, जब कोई शुभ कार्य हो जाए तो माँ भगवती का आह्वान, और आज समिति की ओर से एक बहुत ही शानदार, एक जानदार, एक भक्तिमय ढोली जो तैयार करी है समिति ने, और माँ भगवती नंदा, जिसकी 12 वर्षों के बाद
जिनकी यात्रा आती है और देशों विदेशों से लोग दर्शन करने आते हैं माँ भगवती नंदा के। तो माँ जगदम्बा माँ भवानी नंदा को याद करते हुए आगे बढ़ते हैं और एक डोली सुंदर आपके बीच में मेरे साथ देने आ रहे हैं भाई नीरज पवार जी, हमारे म्यूजिशियन। तो अब हमारे साथ हैं उत्तराखंड के, हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर इनसे भाई साहब से बात करते हैं। आप क्या पसंद मिले थे आपका जो एक नाम है दुकान का नाम क्या? एजेपी फूड सर्विस। अरे आपने क्या क्या बनाया? हमारे पास आज है हमारे पास चिल्ली पोटैटो, चाउमीन, मैक्रोनी और चिकन मोमो, फ्रेंच फ्राइज। मेरे बहन को आज हनुमान चौक गली नंबर 4 में बी ब्लॉक। हाँ जी, अगर हमारे सब्सक्राइबर कोई आपके पास आएंगे तो कोई डिस्काउंट दोगे? मिल देंगे जब आओगे। तो आप लोग उत्तराखंड का खाना बनाते हैं? हाँ जी, उत्तराखंड का ही खाना बनाते हैं। मैं अभी तो फिलहाल में चाइनीज के पास चला रहा हूँ, देखेंगे आगे फ्यूचर में फिर। थैंक यू, धन्यवाद। तो मित्रों अब हमारे साथ है पहाड़ी घराज के, जो पहाड़ी घराज जो चलाते हैं संजय चौहान जी, और कुछ हमारे साथ मेहमान भी हैं जो इस खाने का स्वाद लेने के लिए आए हुए हैं। सबसे पहले मैं संजय जी से बात करना चाहूंगा। संजय जी, आप बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं कि आपने पहाड़ी खाना, हमारा जो उत्तराखंड का खाना, वो ऐसे कौतिकों में लोगों को खिला रहे हैं, उनसे लोगों को रूबरू करा रहे हैं, तो आप किसके पीछे क्या सोच रहे हैं? जी सबसे पहले तो मैं नमस्कार ब्रजेश भंडारी भाई यूट्यूब चैनल के माध्यम से जन जन तक हमारी ये पहाड़ी घराज और पूरा हमारे जो सांस्कृतिक जो कार्यक्रम हो रहे हैं उनको जन जन तक हमारे प्रवासी उत्तराखंडियों के पास पहुंचा रहे हैं, मैं आपको साधुवाद करता हूं। और मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूं कि आप जब आप मोमोज खाओ, चाउमीन खाओ, पिज्जा खाओ, लेकिन टकराओ साथ में अपना पहाड़, पहाड़ की जंगोरा की खीर और मंडवे की रोटी और अपना आलू मूला का खिचू और अपना चेसू की दाल और अपना भट की चितकोनी और अन्य चीजें भी आप खाएं, क्योंकि हम जब तक अपना पहाड़ की चीजें को प्रमोट नहीं करेंगे, नहीं खाएंगे, हमारी नव पीढ़ी ये चाउमीन और मोमोज तक ही सीमित रह जाएंगी। तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा, मैं उसका विरोधी नहीं हूं, मैं उसका भी समर्थक हूं, लेकिन मैं साथ साथ ये कहता हूं, आप दाल मखनी खा रहे हो तो पहाड़ का स्टॉल भी अपने खान पान में लगाओ। शादी ब्याह में आप देखिए आज पंजाबी लोग जो हैं, मैं पंजाब लोगों को सलूट करता हूं कि अपनी वो
सरसों का साग, मक्के की रोटी वो अपने स्टॉल में लगाते हैं और चारपाई बिछा के मंजी में बैठा के लोगों को खाना खिलाते हैं। तो मैं अपने उत्तराखंड के जितने भी उत्तराखंड के प्रवासी जो हमारे दिल्ली एनसीआर और उत्तराखंड में रह रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप कोई भी कार्यक्रम करें, एक उसमें पहाड़ी व्यंजन जरूर रखें। उससे क्या होगा कि जो हमारा पलायन रुक जाएगा, हमारे जो पहाड़ में जो अभी कृषक भाई जो हमारा अनाज को जो उपजाऊ करे हुए, हमारी जो धरती को ऑलमोस्ट बंजर हो गया है। मैं पहाड़ में जाता हूँ, मुझे दर्द होता है, मैं कहता हूँ कि मैं, मुझे दुख होता है, लेकिन क्या करें, रोजी रोटी के लिए बाहर निकल के आए हुए हैं। लेकिन मैं जो रह गए हैं उनके लिए आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि जो वो उगा रहे हैं हमें उनका सहयोग करना चाहिए। कैसे सहयोग कर सकते हैं आप, अपने यहाँ पर जैसे स्टॉल लगे हैं, आप उनके अपने स्टॉल से खरीद के अपने उनके घर, अपने घर में खुद भी बनाए, या हमें जो हम आप लोगों पहाड़ी ग्राहक से आप लोगों से कोई परिचय का, पहाड़ी ग्राहक को कोई परिचय देने की जरूरत नहीं है। आज की डेट में उत्तराखंड के आप लोगों का इसमें प्यार और आशीर्वाद से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और निरंतर आगे बढ़ेंगे। और हमारा प्रयास पैसा कमाना मकसद नहीं है, पैसा तो बहुत दिया है परमात्मा ने, मकसद सिर्फ अपने पहाड़ को बचाना है। और पहाड़ को तभी बचा सकता है जब आप लोग मेरा साथ देंगे, और आप लोग मेरा साथ देंगे तो निरंतर जो हमारे पहाड़ में रहने वाले जो कृषक भाई हैं और जो हमारी माता और बहनें जो पलायन नहीं कर रही हैं उनके लिए मैं, यही हमारा प्रयास है। जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद जी। हमारे साथ जीना जी, जीना जी मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि मतलब जैसे संजय भाई ने हमारे बात कही कि हमारे उत्तराखंड का खान पान जो है कि हमारे जो दिल्ली एनसीआर में लोग रहते हैं, मतलब शहरों में जो लोग रहते हैं उनको प्रमोट करना चाहिए, तो और आपने भी पहाड़ी का रात का स्वाद चखा ही होगा, तो आप पहले तो स्वाद के बारे में बताइए, स्वाद कैसा है इनका। मैं संजय भाई को बहुत धन्यवाद देता हूँ, इन्होंने एक इंसेंटिव लिया है, ये उत्तराखंड जो व्यंजन है हमारे जो व्यंजन इस टाइप के हैं कि बहुत ही खाने के बाद मेरे स्वास्थ्य के लिए इतने अच्छे हैं, बहुत बढ़िया चीजें हैं। मैं संजय भाई को इसलिए धन्यवाद देता हूँ, आपने ये चीजें को यहाँ लेके आए। हम तो, मैं तो भी चाहता हूँ पूरी दिल्ली एनसीआर पंजाब में जो उत्तराखंड सम्मान जहाँ भी है तो यहाँ संजय भाई को कॉन्टेक्ट करें और वहाँ भी लगाएं, और हमारे वहाँ पहाड़ में जो किसान लोग हैं इससे उनको भी फायदा होगा, बेनिफिट होगा। तो इसलिए आपके चैनल के माध्यम से पूरे उत्तराखंड समाज को जहाँ जहाँ भी हैं संजय भाई को वहाँ बुलाएं, उनका वहाँ स्टॉल लगाएं, और उनका भोजन हमने किया अभी यहाँ पर, बड़ा स्वाद आया कि यहाँ के हमने जो यहाँ के और कुछ खाया, और कुछ चीज भी खाया ना, वो स्वाद नहीं है, जो हमारे उत्तराखंड का स्वाद है वो अलग का स्वाद है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद। तो हम उस मेले में घूम रहे थे तो हमें कुछ युवाओं का एक ग्रुप मिला, फोटोग्राफी करते हैं, तो मैंने कहा सोचा चलो आओ इनसे बातचीत करते हैं। तो शुभम है सबसे पहले हमारे साथ, शुभम मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसे हमारे उत्तराखंड के जो प्रोग्राम्स होते हैं, कौतिक होते हैं, मेले होते हैं या कल्चर जितने प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें जो युवा आता है उत्तराखंड का वो क्या एक्सपेक्ट करता है? जो हमारे जो कल्चर है उसके हिसाब से जैसे कुछ चीजें ना वो भूल गए, तो उन चीजों को वो दोबारा देखते हैं कि यहाँ पे कैसे प्रोग्राम हो रहे हैं, कैसे ड्रेसेस हैं, अलग अलग टाइप के ड्रेसेस पहन के भी आ रहे हैं लोग, तो वो चीज़ देखते हैं, उनको उनको सीखने को मिलता है, नई चीज़ें सीखने को मिलती है, वो डांस देखते हैं, प्रोग्राम भी इंजॉय करते हैं, बाकी यही चीज़ें हैं। अच्छा, आपने कभी अपने गांवों का मेला देखा है कोई? गांव का मेला तो नहीं, वैसे नहीं देखा। कहाँ है आपका गांव? मेरा अल्मोड़ा पड़ता है। गांव का मेला कभी नहीं देखा? नहीं, मेला नहीं देखा, गाँव जाते रहते लेकिन मेला पर्टिकुलर मेला नहीं देखा। अच्छा, आपका नाम क्या है? अनुज। पहले भी आपने ऐसे मेले देखे? मैंने पहली बार आया। आप उत्तराखंड से? कहाँ से आप? मैं कानपुर। जो यहाँ गाने बज रहे हैं उनको समझ में आ रहे हैं? हाँ, समझ तो आ रहे हैं, मेरा दोस्त है ये उत्तराखंड का, इसमें काफी कुछ सिखाया, ट्रांसलेट कर रहे हो? हाँ। थैंक यू सो मच यार, आप यहाँ पर आए हो, आपको ये चीजें सुनने में अच्छी लग रही हैं, बहुत अच्छा लगता है कि अगर नॉन पहाड़ी कोई बंदा यहाँ पर आता है और उस चीज को एंजॉय कर रहा है, ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है।
हाँ थैंक यू सो मच। तो आप क्या, आपका क्या नाम है? संस्कृति है, संस्कृति संस्कृति। आपका तो नाम ही संस्कृति, आपको तो सबसे आगे हाँ जी हाँ जी हम आगे ही है। तो मतलब जैसे आप इन मेलों में आते हो और कौतिक में आते हो, तो मतलब यहाँ पर क्या ऐसा होता है कि जो आप लोगों को आकर्षित करता है? एक्चुअली क्या है कि हम जैसे हम गाँव वगैरह नहीं जा पाते, तो ये होता है कि हम जैसे कौतिक वगैरह में आते हैं तो हमें वो चीजें आती है कि हाँ पहाड़ी सॉन्ग है, पहाड़ी खाना है और भी बहुत सारी चीजें, तो एक रिकॉल होती है एक तरीके से कि हाँ ऐसा इन्वॉल्वमेंट होता है। तो वही चीजें मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आना है, डांस करना अच्छा लगता है, अपना अटायर बहुत अच्छा लगता है, तो वही है इसलिए पसंद है आना। अच्छा, उत्तराखंड का जब कोई गाना सुनते हो तो क्या महसूस होता है? बस झूमने का महसूस होता है और कुछ नहीं होता, बस नाचने लग जाओ। हाँ। आपका नाम क्या है? रिंकी, रिंकी जोशी। अच्छा, तो आप कहाँ से हो? उत्तराखंड, अल्मोड़ा। अच्छा, तो आपने जैसे आप ये मेले में आए हो तो आपने कभी गांव में या कुछ ऐसा कुछ देखा है जो मतलब मेले जैसा कुछ ऐसा देखा है? गांव के तो जागर वगैरह ही देख रखी है हमने, जागर देखी है। यहाँ पर भी मैंने देखा है कि लोग यहाँ पे जैसे गाना बज रहा था अभी डोले वाला, तो उसमें लोग नाच रहे थे, आपने देखा वो? हाँ देखा। आपको लगता है कि हमारे उत्तराखंड के जो देवी देवता है वो ऐसे गानों पे आ जाते हैं? हाँ, हमारे तो गाने चलते ही हमारे तो हाथ चलने लग जाते। नहीं, मैं इसलिए पूछा, मैंने जनरली देखा कि गांव देहात में जब गांव में हमारे उत्तराखंड के गांव में जब जागर लगती है, पूरी रात होती है और अलग एक ट्रेडिशन होता है, उसमें जाके जब देख आते हैं, पर यहाँ पर तो मैंने नोटिस करा है कि गाना बजता है स्टेज पर, सिंगर गा रहे होते हैं और गाना अच्छे लगते हैं। नहीं, जिसके अंदर कुछ होता है उसमें तो आते ही है, वो गानों में इतनी शक्ति है कि आ जाते हैं लोगों के अंदर जो भी देखना हो। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच। अंशी रावत जी, आप प्रोग्राम में आइए, उत्तराखंड का कल्चर, उत्तराखंड की संस्कृति आगे कैसे जाएगी हमारे बगल में? वही तो लानी पड़ेगी ना, चाउमिन खाने से थोड़ी ना आ जाएगी। सही बात है, उत्तराखंड पहाड़ी का राज क्या है, उसमें उत्तराखंड का खाना घर में खाते हैं, खिलाते भी है। अच्छा, उनका आपने वैसे अपने घरों में तो खाया हुआ कोई दाल, कोई चावल, कुछ याद है कोई नाम? सबसे फेवरेट मेरी कचमूली है, बहुत ज्यादा फेवरेट। कैसे बनाते हैं? जो हमारे यहाँ पर वो होता है ना संतरे या फिर उससे हरे चटनी चटनी मिक्सर बनता है। अब हमारे साथ हैं उत्तराखंड के नहीं है, गुजरात के सुमित कुमार। सुमित, हमारे कार्यक्रम में आए तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत आपने यहाँ पर कुछ खाया पिया भी? हाँ जी गौरव, यहाँ पे जितने स्टॉल्स वगैरह लगे हैं काफी बढ़िया स्वादिष्ट खाना है यहाँ का और उत्तराखंड का भी खाना है। तो आपने उत्तराखंड का खाना कोई खाया? नहीं फिलहाल तो, मतलब यहाँ पे तो अभी नहीं, मतलब अवेलेबल नहीं है उतना, बट फिर भी हमने टेस्ट कर रखा है जैसे कि बाल मिठाई वगैरह काफी, मतलब जैसे आप प्रोग्राम में हो तो कुछ खास लग रहा है आप, जैसे हमने उत्तराखंड का प्रोग्राम ये देख रहे हैं और आपने जैसे गुजराती प्रोग्राम भी देखे होंगे या पंजाबी भी और क्या डिफरेंस? मतलब पर्सनली जो यहाँ के जो गाने उत्तराखंड के जो गाने वो काफी मतलब बहुत बढ़िया लगे। थैंक यू सो मच। अब हमारे साथ है एक युवा रंजना रावत जी जो कि इस कार्यक्रम में हमें मिली हैं, तो हमने उनसे ये पूछा। जैसे रंजना जी आप इस प्रोग्राम में आती हैं और बहुत सारे हमारे युवा लोग इस कार्यक्रम में आते हैं, तो मतलब क्या आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हो कि इन प्रोग्राम्स में हमें क्या देखने को मिलता है? सबसे बड़ी बात तो हमारी संस्कृति आगे बढ़े, क्योंकि जो नई जनरेशन है आजकल सब जैसे ही इंग्लिश मीडियम की तरफ भाग रहे तो अपनी अपनी लैंग्वेज रहेगी तो ज्यादा बेटर रहेगा, और इन प्रोग्राम के थ्रू हम थोड़े अपने रूट टच रहेंगे, अपने गाँव से जुड़े रहेंगे और ऐसे प्रोग्राम होते हैं तो अच्छा लगता है, संस्कृति आगे बढ़ती है। आपका गाँव किधर है? वैसे मेरा मायका कुमाऊं में है और मेरी शादी पौड़ी में हुई है, पौड़ी गढ़वाल में। आप अगर कहें तो पूरा उत्तराखंड आपके है? मैं पूरा, हाँ मेरा मायका अल्मोड़ा का है और ससुराल मेरा पौड़ी का है। अच्छा, आपने गांव अपने जो मायके साइड या ससुराल साइड की आपने कभी कोई ऐसा प्रोग्राम देखा है, मतलब जो कौतिक होते हैं ऐसे देखा है? नहीं कौतिक नहीं देखा, पुजारी जरूर देखी है, गाँव में पुजारी होती है ना, पुजारी वगैरह वो देखी है, कौतिक में पहली बार आई हूँ ऐसे। जैसे मतलब आप जैसे यहाँ पर जैसे लोग आप कह रही है की हमारा कल्चर आगे जाता है सब चीजों से, तो जनरली मैंने देखा जो उत्तराखंड के हमारे प्रोग्राम होते हैं दिल्ली एनसीआर में उनमें ऐसा होता है कि लोग मोस्टली सिर्फ डांस करते हैं, तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में?
नहीं अपनी जगह है पर संस्कृति भी बढ़नी आगे जरूर चाहिए। हमें बच्चों को ये नहीं दिखाना चाहिए कि चलो आप आए हो तो प्रोग्राम में डांस करो, जस्ट इसे कि आप जो लोग आए हैं वो किस रूट से जुड़े हैं और वो किस चीज को प्रमोट कर रहे हैं। और अब तो हमें वैसे ही मेक इन इंडिया की तरफ बढ़ना है तो पहले भी हमें अपना उत्तराखंड बनना चाहिए। तो मोदी जी भी बोल रहे हैं कि उत्तराखंड आइए वहाँ डेस्टिनेशन वेडिंग करिए, तो इसलिए हमें तो आगे बढ़ना चाहिए अपने संस्कृति को लेकर। हम लोग ही ऐसे हैं जो बहुत डरपोक कह सकते हैं कि नहीं बढ़ पाते इतना आगे, बट हमें खुल के आगे आना चाहिए, अपनी संस्कृति को प्रमोट तो जरूर करना चाहिए। थैंक यू सो मच मुझसे बात करने के, थैंक यू सो मच, थैंक यू ब्रजेश। और प्लीज आप इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, इट्स ब्रजेश भंडारी चैनल। और आप कैसा लग रहा है इस मेले में आके? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि अपनी आपकी ऐसी संस्कृति देखने को बहुत कम मिलती है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे आप डांस कर रहे थे उस डांस शायद थोड़ा बहुत कर लेते हैं, अगली आवाज बुलंद आवाज एक बार फिर हेमा कुमारी जी की आप लोगों के सामने थोड़ा क्योंकि अब यहाँ से निकलते हैं क्योंकि हमें जाना है नोएडा बहुत दूर। और मैं आप सामने अपने सभी देखने वाले दर्शकों को यही बोलूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक शेयर सब्सक्राइब हमें बहुत उत्साह देता है और आप लोगों को आप लोगों का सहयोग ऐसे हमारे साथ बनाए रखिए। जय उत्तराखंड, जय भारत, धन्यवाद।